अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेपर कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पेपर है, त्रैमासिक परीक्षा का। हिंदी विषय की हम प्रॉपर रूप से तैयारी करेंगे, तो क्वेश्चन तो मैं अब इम्पोर्टेंट बता ही चुका हूँ, लेकिन अब हम क्या है इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन के समझेंगे आंसर। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको काव्यखंड, गद्यखंड, वितान, अव्यक्ति माध्यम, आपका पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय, लेखक परिचय, इन सब टॉपिक के हम क्या है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट देखेंगे। साथ ही आपके पद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, गद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इन सब के हम क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों आप वीडियो को देखते ही देखते आपका है पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी क्लास 11 हिंदी की त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ओके, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं काव्यखंड में पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रतियां। इस टॉपिक से दोस्तों आपका दो नंबर का क्वेश्चन आता है, कौन कौन से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको सॉल्यूशन समझा दूंगा। सगौण और निगुण धारा में अंतर लिखिए, प्रगतिवादी कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना लिखिए। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है प्रगतिवादी की विशेषताएं पूछी जा सकती है, तो प्रगतिवादी की विशेषता रचना तैयार कर लीजिएगा। छायावाद की विशेषताएं और उनके क्या है कवियों के नाम, उनकी रचना तैयार कर लीजिएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु की प्रवृत्तियां लिखिए, विशेषता लिखिए, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। ओके, और दो रीति काल की दो प्रवृत्तियां लिखिए, प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं होती है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं इन क्वेश्चन के उत्तर। सबसे पहले है क्वेश्चन हमारा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें इसके निम्न कारण, जितने भी क्वेश्चन बताएं सभी आपके दो नंबर का उस पेपर में आना है, तो दो पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि लोक मंगल तथा समन्वय की भावना थी। दूसरा पॉइंट आपको बता दें भक्ति भाव का प्राधान्य था। तीसरा है निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश था। तो ये पॉइंट है जिनके कारण क्या है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा स्वर्ण आपका निगुण धारा और सगुण धारा में अंतर, तो आपको बता देना जो निगुण धारा काव्य में निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है और इसके जो भगवान होते हैं इनका कोई आकार नहीं होता, जबकि सगुण धारा के काव्य में साकार यानी राम कृष्ण इस प्रकार से भगवान का आकार दिया जाता है और परमात्मा की भक्ति की जाती है साकार रूप में। दूसरा आपको पॉइंट बता देना, निगुण धारा के कवियों ने जाति पाति रूढ़ियों का विरोध कर समाज सुधार पर बल दिया, जबकि सगुण धारा के कवि भक्ति धारा के कवियों ने राम और कृष्ण के लोक रंजन रूपों का वर्णन करके लोक मंगल पर बल दिया। ओके, पर लिख सकते हैं कि निगुण में क्या है मूर्ति पूजा का प्रयोग किया जाता है निगुण धारा में, सगुण धारा में क्या है मूर्ति पूजा को अपनाया जाता है। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है छायावाद की विशेषताएं और उनके कवियों और कवि की रचना। छायावाद की दो विशेषताएं आपको तैयार कर लेना, व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद होता है कि जो कवि होता है वो अपने सुख दुख अपनी कविता के माध्यम से बताता है, छायावादी कविता मुक्तता। व्यक्तिवाद की कविता है जिसमें कवि अपने निजी अनुभव तथा सुख दुख की अभिव्यंजना करता है। नेक्स्ट दोस्तों छायावाद की विशेषता है प्रकृति का प्रेम। जो छायावादी कवि है वो क्या है प्रकृति प्रेम की अभिव्यंजना हुई है ये बताया जा रहा है। प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, छायावादी कवियों ने नारी सौंदर्य तथा प्रेम का चित्रण बड़ी रुचि और सहृदय के साथ किया है। तीन मैंने आपको क्या है विशेषता बताई है, तीनों तैयार कर लीजिएगा। फिर छायावादी कवि कौन कौन से है, जयशंकर प्रसाद, रचनाएं हैं इनकी कमायनी झन्ना, फिर सुमित्रा नंदन पंत, वीणा पल्ला गुंजन, महादेवी वर्मा, निर्जय निहार रसिम, ये आपका हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं। तो प्रगतिवादी कविता में पहला है विशेषता है शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा। प्रगतिवादी की है क्या है मुख्य प्रगतिवाद की है मुख्य विशेषता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण को जन्म देती है, समाज विषमता को पैदा करती है। फिर यथार्थ का चित्रण यानी वास्तविकता दिखाई गई है आपके प्रगतिवादी में क्या है यथार्थ का चित्रण इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। राज्य में समाज में कुछ भी जो घटित होता है उसको साफ साफ बयान करना इनका मुख्य लक्ष्य होता है। रूढ़ीवाद का विरोध, प्रगतिवाद के कवियों ने रूढ़ीवाद का क्या है कट्टर विरोध किया है। फिर आपको प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन कौन से है, रामधारी सिंह दिनकर, उनकी रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मि रथी, फिर है आपका नागार्जुन, युगधारा, सतरंग, शिवमंगल सिंह सुमन, प्रलय, सज्जन, धरती की बरात, तो ये आपके हो जाते हैं प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं। इसके बाद नेक्स्ट आपको प्रयोगवाद की विशेषता तैयार कर लेना है। प्रयोगवाद की विशेषता में ये आपके चार पॉइंट दिए हैं, दो तैयार कर लीजिएगा। प्रयोगवादी कविता पर मार्क्सवादी परिलक्षित है, इस काव्य में सजग एवं गहरी पीड़ा का बोध होता है, तो ये आपके दिए हुए हैं प्रयोगवाद की विशेषता तैयार कर लीजिएगा। अब प्रयोगवादी कवि कौन कौन से हैं, तो ये आपके दिए हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्य की डायरी, इनकी रचना हो जाती है। धर्म भारती, अंधायुग, कनुप्रिया, अज्ञे, आंगन के पार द्वार, बाबर, अरे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नई कविता की विशेषता तैयार कर लेनी है, दो दो सबकी विशेषता तैयार कर रखना है। तो लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा है और बिंब योजना की अधिकता है, ये आपकी ये दी है नई कविता की विशेषता तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। नई कविता की आपकी कवि कौन कौन से, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, उनकी रचनाएं ये दी हुई है। इसके बाद दोस्तों आपको रीति काल की प्रमुख विशेषता बतानी, तो ये आपकी पॉइंट वाइज पॉइंट दी हुई है। ओके, इसमें पांच से छह पॉइंट दिए हैं आपके, लेकिन आपको दो पॉइंट अच्छे से आपको तैयार कर लेने हैं रीति काल की विशेषताओं में। ओके, कंप्लीट हो जाता है।
इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पद्य साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्ति वाले टॉपिक से जितने भी आपके क्वेश्चन आपके जो भी टॉपिक है मैंने आपको बता दिए, उन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रकार से आएगा कि छायावाद की विशेषता लिखिए, प्रतिवादी की विशेषता दो विशेषता लिखिए, प्रयोगवाद की विशेषता लिखिए, नई कविता की विशेषता लिखिए, रीतिकाल की विशेषता लिखिए। तो मैंने आपको बता दी सबकी आपको दो दो विशेषताएं और कवियों के नाम और रचनाएं तैयार करके रखना है। अब दोस्तों हम काव्यखंड में हम देखेंगे अपनी जो पुस्तक है आरोह, इससे भी आपको दो नंबर का आता है, तो देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो आंसर आपका इस प्रकार से रहने वाला है, यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार बाय आडंबरों में उलझ कर ईश्वर को खोज रहा है, अतः कबीर ने क्या है स्वयं को अपना दीवाना कहा है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? ये क्या है आपका प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बार्षिक एग्जाम तक में भी आ चुका है। तो मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है, उनका रूप मन को मोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं, उनके सिर पर मोर मुकुट का सुशोभित है, मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है और वे स्वयं को उनकी दासी मानती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया है? तो ये तर्क दिए हैं, तो उसको भी तैयार कर लीजिए। तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए। पहला है, संसार में सब जगह क्या है, एक ही पवन है, एक ही जल है, सभी में एक ही ज्योति समाई हुए है, एक ही मिट्टी से है, सभी बर्तन बने हुए हैं। ओके, ये सब आपके तर्क दिए हैं कबीर ने कि ईश्वर एक है। ओके, कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायके आई बहन के लिए कबीर ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? तो मायके आई बहन के लिए कबीर ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? तो बहन मायके में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए खुशी से आती है, वह भाई बहनों के साथ बिताए हुए क्षणों को याद करती है। घर पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि उसका जो एक भाई है जेल में, मतलब भवानी प्रसाद मिश्र थे उस समय जेल में थे। ओके, तो बताते जब उसे पता चलेगा उसकी बहन को कि उसका एक भाई जेल में है, तो वह बहुत दुखी होगी। इसी कारण क्या है, कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उकेरा गया है? तो देख लेते हैं, तो पिता की किन विशेषताओं को किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितने बता रहा हूँ एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 6 से 7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन है, बस इन्हीं में से आपका एक नया क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, बस ज़्यादा क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करने होंगे। तो देख लेते हैं, तो घर की याद कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को किया गया है, जैसे पिता है, पिताजी पूर्णतः स्वस्थ है, बुढ़ापे उन्हें अभी तक छुआ नहीं है, देश प्रेमी है, वे दौड़ लगाते हैं, डंडे पेलते हैं, ओके, और साथ ही वे गीता का पाठ करते हैं। ये सब उनकी विशेषताएं दी हुई हैं कवि के पिता की। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ है? प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आंसर आपको लिखना, हवा, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी, इन 5 तत्वों से क्या हुआ है, मानव शरीर का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है काव्यखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, आपको 6 क्वेश्चन बताएं, तैयार होने कर लेना है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्यान, 4 नंबर का आता है। दोस्तों आपके पेपर में काव्यांश की 4 नंबर की संदर्भ संघ व्याख्या आती है, फिर गद्यांश की 4 नंबर की संदर्भ संघ व्याख्या आती है, जो आपकी आपके चैप्टर से संबंधित रहती है। तो अभी हम देख लेते हैं आपके काव्यांश की यानी काव्यखंड से जो आपकी संदर्भ संघ व्याख्या आती है, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों अगर आपने चैप्टर समझे जो आपके चैप्टर आने हैं, ओके, जैसे आपका कबीर के पद समझे हैं, मीरे वाला टॉपिक आपने समझा है, ओके, भवानी प्रसाद वाला घर की याद वाला ये पूरी कहानी आपने समझी हुई, मतलब आपकी कविता समझी हुई है, तो फिर आपसे ये वाला आसानी से बन जाएगा। फिर भी दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ जो अक्सर रिपीट होते हैं, हम तो एक ही करी जाना, ये वाला आपको दोस्तों इसका काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करना है, मेरे तो गिरधर गोपाल इस वाले का काव्यांश का आपको तैयार कर लेना है, जैसी बाड़ी कास्ट को काटे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको रहना है। तो इस प्रकार से आपका आएगा पद्यांश पेपर में, फिर आपको इसका संदर्भ बता देना है, संदर्भ में आपको बता देना है कि ये आपका कहां से लिया गया है, तो कबीर के पद से लिया गया है, और इसे जो आपके कवि है कौन है, कबीरदास जी। ओके, फिर इसके बाद आपको प्रसंग बताना है, फिर आपको व्याख्या बतानी है, पूरा दिया हुआ पढ़ लीजिएगा अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे इसकी आपको ये दिया हुआ है, और इसके बाद दोस्तों आपको विशेषताएं बतानी पड़ती है, विशेष लिखना पड़ता है, विशेष में आपको बताना पड़ता है कि जो आपका ये पद्यांश है इसमें कौन सी रस है, कौन सा अलंकार है, किस भाषा पे कहा की भाषा का प्रयोग किया गया है, किस टॉपिक की बात की गई है, इनको पॉइंटों के माध्यम से बता देना पड़ता है जिस प्रकार से इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आप तैयार कर लिए, जैसे बाड़ी काश को काटे, ये इस टाइप का इसका भी आप तैयार कर सकते हैं, तो कि संदर्भ प्रसंग आपका वही रहने वाला है जो मैं आपको बता चुका हूँ, व्याख्या आपकी ये दी हुई है। फिर नहीं दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अक्सर ही आपका पूछा जाता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या में, संदर्भ भी आपका दिया हुआ है, प्रसंग आपका ये है, व्याख्या ये दी हुई है, पढ़ लीजिएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। इसके आगे देख लेते हैं, तो इसके आगे आपकी ये व्याख्या ये दी हुई है पूरी, और फिर इसके बाद विशेष दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या समझ ली है महत्वपूर्ण वाली। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा कवि परिचय, कवि परिचय दोस्तों आपके पेपर में 3 नंबर का आता है, लेखक परिचय भी 3 नंबर का आता है,
तो कवि परिचय में दोस्तों आपका कबीरदास जी का मीराबाई, इन दोनों का तैयार कर लीजिएगा। त्रैमासिक परीक्षा में 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। कबीरदास मीराबाई का आपको क्या है, कवि परिचय मानी 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान तैयार करना है। तो दोस्तों मैं आपको ये पहले ही समझा चुका हूँ, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ कबीरदास जी का मीराबाई का, मैं पहले समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ वीडियो की, तो 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो उनको देख लीजिएगा और आपका ये क्या है समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट दोस्तों, हम गद्य साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्तियां इस टॉपिक से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो इसमें भी आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, तो केवल 6 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। पहला है कि भारतेंदु की किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। निबंध किसे कहते हैं, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। आत्मकथा और जीवनी में अंतर, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर, उपन्यास कहानी में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर। ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 2 नंबर जरूर आपके पक्के हो जाएंगे, इन्हीं में 4 में से अक्सर आता होगा। बाकी मैं आपको अभी के सॉल्यूशन समझा देता हूँ, तो क्रम से आपको तैयार कर लेना है। तो देख लेते सबसे पहले हम बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय के का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन स्वच्छंदता सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यकता संगति एवं संबद्धता के साथ किया जाता है। यह आपका बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। साथ ही एक और टॉपिक आपको तैयार करके रखना है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो जो आपकी कहानी उपन्यास नाटक निबंध है, ये आपकी क्या है गद्य की प्रमुख विधाएं कहलाती है। जीवनी आत्मकथा रेखाचित्र रिपोर्टाज ये आपकी क्या है गद्य की गौण विधाएं, ओके। तो ये आपको बस ध्यान रखना है क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रेखाचित्र संस्मरण में अंतर। रेखाचित्र संस्मरण क्या है, लेखक स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण संस्मरण है, जबकि रेखाचित्र क्या है किसी व्यक्ति या वस्तु के आकर्षक ढंग से चित्रात्मक वर्णन रेखाचित्र कहलाता है। संस्मरण में जो लेखक होता है वो अपनी पुरानी यादों को लिखता है, ओके। तो रेखाचित्र में क्या है तत्कालिक रहती है बातें और उसमें एक चित्रात्मक वर्णन होता है। संस्मरण एक आपका वास्तविक होता है, जबकि रेखाचित्र वो आपका वास्तविक और काल्पनिक हो सकता है। तो संस्मरण की शैली होती है वो वर्णात्मक विवरणात्मक होती है, जबकि रेखाचित्र की शैली चित्रात्मक होती है। कहानी उपन्यास में अंतर तैयार कर लीजिएगा। कहानी छोटी है होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना होती है, उपन्यास में अनेक घटनाएं होती है। अब कहानी में आपका क्या है छोटी होती है, तो कहानी में पात्रों की संख्या कम होगी। उपन्यास बड़ा होता है तो उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। परीक्षा क्या है, प्रेमचंद का लिखित कहानी है, गोदान प्रेमचंद के लिखित उपन्यास है। अब दोस्तों देख लेते हैं नाटक एकांकी में अंतर। नाटक में क्या होता है कई सारे अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। एकांकी एक अंक होना तो यानी एकांकी कहलाता है, ओके। नाटक में कई अंक होते हैं। अब नाटक क्या होता है बड़ा होता है, तो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। एकांकी में क्या है एक ही अंक होता है, छोटा होता है, तो एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा कम होती है। नाटक दृश्य काव्य का एक बृहद रूप है, जबकि एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। अब आत्मकथा और जीवनी में अंतर तैयार कर लीजिएगा। तो जीवनी में क्या होता है जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति महापुरुष के ऊपर लिखी जाती है, आत्मकथा में लेखक अपने बारे में लिखता है। तो जीवनी किसी महापुरुष पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा है काल्पनिक भी हो सकती है, क्योंकि आत्मकथा में क्या है लेखक अपने बारे में लिखता है और अपने बारे में अच्छा ही लिखेगा, ओके। इस प्रकार से काल्पनिक भी हो सकती है, बनावटी भी हो सकती है। जीवनी होती है प्रेरणादायक होती है, जबकि आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो ये आवश्यक नहीं है। फिर कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी है। आत्मकथा क्या है मेरे जीवन का प्रवाह, वियोगी हरि की आत्मकथा है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्ति वाले से जिस टाइप के इंपॉर्टेंट आपके आने थे वो मैंने आपको कवर करा दिए, सभी तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे गद्यखंड। गद्यखंड में दोस्तों हमारे चैप्टर से देख लेते हैं कौन कौन से आपके क्वेश्चन आपके तैयार करने हैं। यहाँ से भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन आता है, ओके। तो नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों, चलिए देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको देखना है, हमें इस कहानी में जो बंसीधर है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वह क्या है ईमानदार था, शिक्षित था, कर्तव्यपरायण था, धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। इस प्रकार से आपको बता देना है, सॉल्यूशन एक पढ़ लीजिएगा और इजी लैंग्वेज में दिया हुआ अच्छे से आपसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं। तो ये दिया है आपकी मियां नसरुद्दीन की 2 व्यक्तित्व की विशेषताएं, कि मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं, वे बड़े ही बातूनी और अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाले बुजुर्ग थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण था, वे बड़े मसीहाई अंदाज में रोटी पकाते थे। स्वभाव उनके स्वभाव में क्या है रुखाई अधिक और स्नेह कम होता था, ओके। वे तीख और तालीम के विषय में बड़े स्पष्ट थे, ये सब उनकी विशेषताएं दी हुई है। फिर पंडित अलोपुद्दीन की गाड़ियां कहां और क्यों किसने रोकी थी, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको इस बार से लिखना है, पंडित अलोपुद्दीन की गाड़ियां नमक के दरोगा बंसीधर ने रोकी थी, क्योंकि उन्हें शक था कि कोई रात में नमक की कालाबाजारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे देख लेते हैं। तो आपको इसमें केवल इतना आंसर आपको लिखना है कि जो मियां नसरुद्दीन है वो क्या 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे, इसलिए उन्हें क्या है नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। मैं इनका आंसर ये है, बाकी इस प्रकार से दिया हुआ है, आप पढ़ के तैयार कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नान भाई किसे कहते हैं। तो नान भाई किसे कहते हैं,
नान वाई वह कार होता है जिसमें कई तरह की रोटियां बनाने और बेचने का काम किया जाता है। मियाँ ने नान वाई का काम किया क्योंकि उनका यह खानदानी पेशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, इसे देख लेते हैं। तो इसके आपका रीजन ये दिए हुए हैं क्योंकि चला तो उसमें पॉइंट वाइज पॉइंट बता देना कि पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल चलने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, लेखक के पास पैसे का अभाव था, पर दूसरा है कि वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था इसलिए काम में फुर्सत होने पर भी लेखक और अन्य कलाकार फिल्म में काम कर पाते थे। तीसरा है, तकनीकी के पिछड़ेपन के कारण पात्र स्थान दृश्य आदि में समस्या आ जाती थी। ये सब कारणों के कारण क्या है, जो पथेर पंचाली फिल्म है उसका काम 2.5 साल तक चला। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है, चलिए इसे देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है कि लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन की विदाई के समय कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां विदाई का दुख मनुष्य को होता है उसी प्रकार पशु पक्षियों को भी होता है, लेकिन लॉर्ड कर्जन भारतीयों की इस सहानुभूति को भी ना पा सके, ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो देख लेते हैं। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन की व्यक्तित्व की विशेषताएं तैयार अच्छे से कर लीजिए, 2 विशेषताएं दी हुई है इसलिए शॉर्ट ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता। आगे देख लेते हैं। ओके, बाकी जितने भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन ये बता रहा हूँ सबकी PDF देखना चाहते हैं आप अपनी वेबसाइट anuragasadiclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा anuragasadiclasses, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा तो वहां से आपके अपने सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है, गद्यांशों की व्याख्या। गद्यांशों की संदर्भ की प्रसंग व्याख्या 4 नंबर का आता है, जिस प्रकार से काव्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या 4 नंबर का आता है, इसी प्रकार से गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या 4 नंबर का आता है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण आपकी कौन कौन सी गद्यांश आपको तैयार करने चाहिए, यह अनुभव से मैं बता रहा हूं जो आपके हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो नौकरी के अहदे की ओर ध्यान मत देना है, ये तो कि आपका पीर का मजार है, ये वाला आपको तैयार कर लेना है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखे, ये आपके दिए हुए हैं कुछ, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये आपका पहला है, इस प्रकार से आपका आएगा आपका गद्यांश, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी पड़ेगी। नौकरी की अहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है, तो ये इसका संदर्भ इस प्रकार से आपको लिखना है, ये हमारा जो गद्यांश है किससे लिया गया है, नमक के दरोगा से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, सम्राट उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के, फिर प्रसंग दिया हुआ है, फिर व्याख्या दी हुई है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, इसको भी तैयार कर सकते हैं। पंडित अलुपुद्दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, वह कहा करते थे कि संसार का क्या कहना, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है, इसका आपको संदर्भ ये आपका दिया हुआ है, आपको अपनी तरफ से इसको पढ़ लेना अच्छे से, ओके पेपर में आता तुरंत ही फिर आप लिख पाएंगे, ओके बाकी कोई जरूरी नहीं है, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, जितने भी आपके आपके चैप्टर हैं ओके, चाहे वो काव्यखंड गद्यखंड के, सभी चैप्टर के नाम और उनके लेखक जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, साथ ही दोस्तों आपके आपको जब इसका संदर्भ लिखेंगे तो आपका काम आएगा। ओके नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, दुनिया की सोती है पर दुनिया की जीत जागती है, इसका आपको संदर्भ आपको ये दिया हुआ है, फिर इसका प्रसंग दिया हुआ है और इसकी आगे आपकी ये व्याख्या दी हुई है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा गद्यांश है, मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखे जैसे उन्हें हमसे कुछ जवाब पाना हो, ये आपका दिया हुआ संदर्भ, फिर इसके बाद दी है प्रसंग और ये आपकी व्याख्या। ओके तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाते हैं लेखक परिचय, तो 3 नंबर का लेखक परिचय रहने वाला है, जिस प्रकार से आपको कवि परिचय में मीराबाई और कबीर का आपको लेखक परिचय आपको कवि परिचय तैयार करना है, तो लेखक परिचय में दोस्तों आपको प्रेमचंद और कृष्णा सोबती का तैयार कर लीजिएगा, तो 3 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। तो देख लेते हैं प्रेमचंद और कृष्णा सोबती का लेखक परिचय, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि आपको प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए, 2 रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थानीय, इसी प्रकार से आपका लिखकर आता है। प्रेमचंद का देख लेते हैं, तो आपको जीवन परिचय नहीं आता, रचनाएं आपको तैयार कर ली, 2 रचनाएं कोई भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें दी है, कोई भी 200 आपको पढ़ लेना है। ओके इसके बाद देखिए भाषा, देखिए दी हुई भाषा के इतना आपको लिखना है, ये आपका भाषा है। ओके इसके बाद देख लेते हैं शैली, शैली का आपको ये लिखना है, शैली इस प्रकार से आपको लिखनी है, शैली में आपको 2 से 3 पॉइंट वर्णनात्मक विवेचनात्मक मनोवैज्ञानिक, नहीं कुछ ज्यादा बनता है तो बस केवल नाम बस लिख दीजिए कि प्रेमचंद ने वर्णनात्मक विवेचनात्मक मनोवैज्ञानिक खास विज्ञान में शैली का प्रयोग किया, इस प्रकार से और अच्छे से लिखना है तो फिर उसके वर्णनात्मक शैली के अंदर एक लाइन लिख दीजिए विवेचनात्मक, इस प्रकार से साहित्य में स्थान इस प्रकार से दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 3 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। फिर कृष्णा सोबती का देख लेते हैं, कृष्णा सोबती की आपको ये आपकी रचनाएं दी हुई हैं, देखो जिंदगी नामा, बहुत सारी रचनाएं दी हुई हैं आपका, सूरजमुखी, तो कोई भी 2 रचनाएं आपको पढ़ लेना है। भाषा आपको ये दी हुई है कि भाषा किस प्रकार से इनकी लिखनी है, इसलिए थोड़ा आप फास्ट ले लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। फिर ये दोस्तों आपकी शैली दी हुई है, ओके ये शैली दी हुई है, इसके बाद दोस्तों आपका दिया है साहित्य में स्थान, तो अगर दोनों का अच्छे से आपका आप कबीर उम्मीदा का तैयार कर लीजिए, कवि परिचय,
प्रेमचंद कृष्णा सोबती का आप लेखक परिचय तैयार कर लिए, 3-3 नंबर या 6 नंबर तो आपके फिक्स पक्के हो ही जाएंगे। ओके, अभी नहीं, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में भी बोर्ड एग्जाम में भी आपके यही आते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 11th की वार्षिक परीक्षा की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 11th हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर रूप से आपका कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा ग्रामर के सहित। ओके, पूरे नोट्स आपको रहेंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे बितान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, इससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। तो बितान में सबसे पहले अपना लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए। देख लेते हैं लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट दी हुई है, मतलब कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, 2 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। तो सुरीलापन, तो उनकी लता मंगेशकर की गायन की जो गायन में क्या है सुरीलापन था। ओके, फिर कोमल और मुग्धता, लता के स्वरों में कोमल और मुग्धता थी। फिर स्वरों में निर्मलता, नाद में उच्चता, सासी शुद्धता, 5 विशेषताएं दी हुई है। ओके, कोई भी अच्छे से 2 तैयार आपको कर लेना है, ये आपको दी है बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, इतना ही लिखना है एक लाइन का लिखना है क्योंकि 2 नंबर बस का पेपर में क्वेश्चन आता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। देख लेते हैं शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर। तो ये आपका दिया है पॉइंट वाइज पॉइंट, इसमें अंतर दिया हुआ है। आप चाहे तो तालिका बनाकर अंतर लिखें या पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार से लिखें। ओके, नंबर आपको मिल जाएंगे। बस आपके यहाँ अब इसमें भी आपको 6 पॉइंट दिए हुए, 6 अंतर दिए हुए हैं, कोई भी 2 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ क्यों कहा गया है। तो इसका आपका आंसर इस प्रकार से दिया हुआ है। बाकी दोस्तों आपका जो आंसर लता मंगेशकर को गायन की विशेषता और लता मंगेशकर को भारतीय गायिका में बिजोड़ क्यों कहा जाता है आपको वही आप पॉइंट लिख सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एक एक इनका आंसर रहने वाला है। देख सकते हैं आप वही बताया गया है जो उनकी विशेषताओं में बताया गया। ओके, तो एक ही इनका आंसर है, बाकी बस कहने का पूछने का क्वेश्चन का तरीका अलग है। ओके, आगे नेक्स्ट है कोई की का मुंह छोटा रखने के क्या कारण है। लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कोई का मुंह छोटा रखने के क्या कारण है। तो ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, ये पहला पॉइंट दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पोस्ट करके याद करते जाइएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, फिर ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, पढ़ लीजिएगा। अगर हमने चैप्टर पढ़ा तो पढ़ते ही फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, ईजी आपके लिए रहेगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है रेणाजी पानी किसे कहते हैं। तो रेणाजी पानी किसे कहते हैं, रेणाजी पानी धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में ना मिलने वाला पानी रेणाजी पानी कहलाता है। वर्षा जल को मापने के लिए रेजा शब्द का प्रयोग होता है। रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल पर समाई हुई वर्षा को नापा जाता है। नेक्स्ट है कुई की खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हैं। तो इसका आंसर अगले बार से आपको लिखना है कि जो चेजार सिर पर कांसे पीतल या किसी अन्य धातु के बर्तन का टोप पहनते हैं ताकि उनके ऊपर रेत कंकड़ पत्थर से उनका क्या है सिर का बचाव हो सके। किसी भी स्थान पर ईंट की चिनाई से मिट्टी नहीं रुकती तब कुई में रस्सी बांधे जाते होंगे। तो यहाँ तक आपको आंसर लिखना है क्योंकि धातु का टोप क्यों पहनते हैं ताकि जो ऊपर से रेत कंकड़ गिरते हैं पत्थर गिरे तो उससे सिर का बचाव हो सके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने बितान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, ज्यादा नहीं 6 क्वेश्चन बताए हैं, 6 तैयार कर लीजिएगा, वहां से 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो आपके कंप्लीट हो जाएगा। अक्ति माध्यम से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी 2 नंबर क्वेश्चन आता है। तो इसमें पहला है जनसंचार माध्यमों के उद्देश्य और विशेषताएं लिखिए। तो देख लेते हैं, तो ये आपकी दी हुई है जनसंचार माध्यम के आपके उद्देश्य, तैयार अच्छे से कर लीजिए आपके दिए हुए जनसंचार माध्यम के उद्देश्य। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंचार माध्यम के क्या खतरे हैं। तो जनसंचार माध्यम के आपको ये खतरे बताए गए हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है, पढ़ते जाएंगे तो आपको क्या समझ में आता जाएगा, कुछ ज़्यादा कठिन लैंग्वेज में नहीं। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पत्रकारिता क्या है। तो जिसे देख लेते हैं, तो पत्रकारिता क्या है, तो ये पत्रकारिता के बारे में बताया गया है, तैयार अच्छे से कर लेना है, ये आपका दिया हुआ पत्रकारिता के बारे में। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। तो समाचार के आपके ये तत्व दिए गए हैं नवीनता, सत्यता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, सुरुचि, ये आपके साथ समाचार के तत्व हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है खोजपरक पत्रकारिता क्या है। तो खोजपरक पत्रकारिता देख लेते हैं, तो ये आपके दिए है खोजपरक पत्रकारिता क्या है, तैयार इसको आपको कर लेना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको पीत पत्रकारिता से क्या समझते हैं इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके क्या है आपके जरूरी नहीं 2 नंबर में है, एक वाक्य में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है संपादन के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ संपादन के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। तो ये सिद्धांत के दिए गए हैं पालन करने योग्य सिद्धांत, जैसे तत्वों की शुद्धता, दूसरा है वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत, ये सब आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए हैं, तैयार इनको अच्छे से कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों हमने अभिव्यक्ति और माध्यम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, उसमें 6 बताए हैं तो वही तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में काव्यखंड, गद्यखंड, बितान, अभिव्यक्ति, माध्यम,
पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय, लेखक परिचय, पद आपकी महत्वपूर्ण काव्यांश गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ये सभी टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट आपको बिस सॉल्यूशन से समझा दिए हैं, सभी आपको तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें हम आपका व्याकरण संबंधित, भाषा बोध, काव्य बोध, आपका पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये सब टॉपिक हम कवर कर लेंगे बिस सॉल्यूशन के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।